हद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। जिद ये झूठी तेरी, मेरी जान लेके जा। तो फाइनली यार, इतनी बार रोते रोते एक बार फाइनली रो दिए हैं। UTV ब्रांड अब ऑफिशियली डेड हो चुका है। पहले जहां UTV मोशन पिक्चर्स 2016-17 में बाय बाय टाटा कर दिया, अब UTV के टीवी चैनल्स भी खत्म हो चुके हैं। वैसे स्टारगोल थ्रिल्स का इंटरफेस मुझे बहुत ज्यादा सेक्सी लगा यार। UTV एक्शन को ही ऐसे रिब्रांड करते तो मजा आ जाता। चलो अब उम्मीद है कि इसको स्टार मूवीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा VFX इनके विजुअल्स वैसे ही लग रहे हैं। और सलमान खान को एंडोर्स करने के लिए ले लिया यार, पर मेरा रिएक्शन नहीं बदलता उससे। तो UTV के टीवी चैनल्स जहां पर UTV मूवीज बन चुका है स्टार गोल्ड रोमांस, और वहीं पे UTV एक्शन बन चुका है स्टार गोल्ड थ्रिल्स। और मैं काफी खुश हूं कि UTV एक्शन के मरने के पहले मैंने एक हफ्ते के लिए UTV एक्शन वगैरह देखा, ब्लैक विडो देख ली, और क्या चाहिए। मुझे यार मस्त नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ गई, जैसे 2015-14-12-13 जब जियो होता नहीं था, इंटरनेट नहीं होता था, हॉलीवुड मूवीज का फैन मुझे UTV एक्शन ने बनाया, और अब यकीन नहीं होता ये चैनल चला गया भाई साहब। लेकिन उसकी जगह पर आए हैं स्टार गोल्ड थ्रिल्स। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इसको, मतलब जितने भी टीवी चैनल्स बचे थे स्टार इंडिया के पास, उसको स्टार गोल्ड में इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए स्टार गोल्ड के, कि देखो स्टार गोल्ड क्या क्या ऑफर कर रहा है। और स्टार गोल्ड थ्रिल्स का इंटरफेस काफी ज्यादा मस्त है, थोड़ा थोड़ा स्टार मूवी से सिमिलर लगा, मतलब कूल और क्लासी टाइप। मगर यहाँ पे इस टीवी चैनल का स्कोप क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक सस्ता 2 रुपए वाला चैनल बन के रहेगा, जहाँ पे पहले स्टार गोल्ड पे प्रीमियर होगा कोई सी भी बड़ी मार्वल मूवी या हॉलीवुड मूवी का, फिर इस पे कुछ दिनों बाद? चैनल की रिब्रांडिंग बस एडवर्टाइजर्स और थोड़ी ब्रांड वैल्यू को एड अप करने के लिए किया गया है, वरना और कोई चेंज नहीं है। जो मूवीज आपको UTV एक्शन पे देखने मिलती थी यही पे मिलेंगी, बस थोड़ा नया फील मिलेगा। वैसे भी आजकल टीवी देखता कौन है, तो जो ट्राई कर रहा है उनको करने दो। बाकी यार एक ऐसा टीवी चैनल जिसको मैं रोज देख के बड़ा हुआ, मतलब हॉलीवुड मूवीज का मैं मेनली फैन UTV एक्शन की वजह से हूँ, ओपनली बोलता हूँ, तो भैया पार्ट ऑफ जर्नी एंड से यार, मतलब कभी ना कभी चीजों को खत्म तो होना ही होता है।